फ्रेंडी गणेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू रहना साथ हमेशा, तू नमस्कार दोस्तों, अभिनव अरोड़ा आज फिर से ट्रेंड चलने लग गया। इसका ट्रेंड इसलिए चलने लग गया क्योंकि भाई अब जो है इसको एक्सपोज कर दिया गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, पहले जो है इनको ट्रेंड लेकर इसलिए चल रहा था कि भाई छोटे से बच्चे हैं, कथावाचक बन गए हैं, अच्छी अच्छी बातें करते, ज्ञान की बातें करते, लेकिन इतना सा बच्चा कई अलग अलग तरीके की बातें कर रहा हो और अपनी बातों पर अटक रहा हो, हर एक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हो, जिसकी वजह से लोगों को शक हो गया। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? बताइए। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने इस बच्चे का सपोर्ट नहीं किया था। मैंने कहा था कि अगर कोई इतने से उम्र का ये बच्चा, चाहे इस्लाम का हो या क्रिश्चियनिटी का हो, अगर वो प्रचार कर रहा होता अपने सनातन धर्म का, तो आप लोग बहुत अच्छा से सपोर्ट करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते, कोई भी उसके खिलाफ बातें नहीं बोलता। लेकिन जब ये बंदा चाहे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है तो आप लोग जो है इसका विरोध करने लग गए। ना मैंने इसके विचारों को लेकर कुछ बातें बोली थी, बस मैंने ये कहा था कि अगर इतनी सी उम्र का बच्चा कोई और होता, किसी और मजहब पंथ का, तो आप उसको सपोर्ट करते, लेकिन इसको सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा। लेकिन अब जो है सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा था, ये लोगों को समझ में आएगा। बाकी मैंने अभिनव के सपोर्ट को लेकर कुछ भी नहीं बोला था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। महाराज जी थोड़ा सा और रुक जाओ बस। हैं, आज के समय एक जो YouTube चैनल है बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसका नाम है देसी ओनली। इन्होंने दो वीडियो बनाई थी जिसमें इनकी कड़ी मेहनत थी और उस मेहनत को सफल भी किया गया भाई लोगों के द्वारा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आज के समय जो इनसे बड़े चैनल हैं, जिनके इससे ज़्यादा व्यूज आते हैं, वो लोग जो हैं इसी की वीडियो को कॉपी कर करके अपने अपने चैनल में डाल ले अपने अपने तरीके से, लेकिन कोई भी बंदे को क्रेडिट नहीं दे रहा, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। यदि आपको कहीं से भी छोटा सा ही पॉइंट मालूम चलता है तो आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, तभी आपने उसका पॉइंट उठा करके अपनी वीडियो में डाला है। लेकिन आज के समय जो है इन पर आफत आई पड़ी है। अभिनव अरोड़ा के जो भाई पिताजी है वो कोर्ट घसीटने की पूरी तैयारी में है। उनका कहना यह है कि हमने ओनली देसी यूट्यूब चैनल के मालिक और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सख्त कानून कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही हमने जुर्माना मांगने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं, यानी कि जुर्माना इनके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी लेना, क्योंकि यूट्यूबर ने पैसे को ही लेकर एक्सपोज कराया कि भाई बेटे को जरिया बनाया जा रहा पैसे कमाने का, जिसमें पूरा परिवार साथ दे रहा है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान? नहीं। I don't know, अगर तुम लोगों को दिख रहा है, लेकिन वो बार बार पीछे देख रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं क्या बोलूं। और एक बार तो उसके लिप्स देख के मुझे सच में लगा कि उसने बोला कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए क्या वो कुछ दिक्कत हो रही है फोन में? नहीं नहीं, अब ठीक है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। और बड़ी बात तो ये कि जो अभिनव अरोड़ा के पिताजी हैं, वो एक बताया जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अब जब एक पिता मोटिवेशनल स्पीकर और बेटा कोई बना दिया मोटिवेशनल स्पीकर और फिर दोनों को मिला दिया जाए, फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है कि ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने दूसरों के साथ मिली भगत करके अभिनव के पक्ष पर विचार किए बिना अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झूठी कहानी का प्रचार किया है। इस तरह के आचरण का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाएगा। और जहाँ तक इस बंदे पे कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि भैया इसने साफ तौर पे बोल दिया कि दिस कंटेंट इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सोर्स। और साथ में बड़ी पॉइंट नीचे इन्होंने ये लिख दिया कि प्लीज वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली। अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। 50 साल की उम्र में, 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 यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, बताया जाता है कि अभिनव के पिता ने पहले आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया था जिसका नाम था फालूदा एक्सप्रेस, उसके बाद में फ्रेंचाइजी बांटी थी। अब भाई बंदे का प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसका प्रचार किया जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि भाई फेस वेस कटिंग एकदम पूरा बढ़िया है, चलो इसी को ले लेते हैं। और गोलू मोलू तो वैसे दिखता है आइसक्रीम वाइसक्रीम वाला, पैसा घर का घर पे ही रहेगा, देने की जरूरत है नहीं, शूट फ्री में हो जाएगा।
तो उसके लिए एड बनाया गया जिसमें ये भाई इन्होंने अपने बेटे को ही ले लिया। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ कुछ भेज रहा हूँ मेरे जैसा स्वीट स्वीट। लेकिन जब बिजनेस घाटे में जाने लग गया और इन्वेस्टर्स को जब पैसे वापस करने थे तो उसके लिए पत्नी के साथ यानी सह परिवार भैया मिल करके एक नया मोटिवेशनल तैयार कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एंड गेस हाउ हिज डैड डज इट। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। बाप का जिस तरीके से बोलने का तरीका सेम टू सेम इसका भी वही तरीका है। अरे कई चीजें तो इस तरीके से भी रटवाई जाती है कि हिंदी अनुवाद ही बताना भूल जाते हैं। गणेशी विभूषित तत्व हम न जाने। इसका अर्थ भी बता दे। इसका अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है, बढ़िया बढ़िया। बाकी इस बंदे को इतना कुछ एक्सपोज करने के बावजूद भी यही कहेंगे कि जब मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो सच्चाई क्या है इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी वीडियोस आपको दिखाई है, जो भी जानकारी आपको बताई है, ये केवल सोशल मीडिया से निकाल करके आपको बताया गया है। क्या आपने कभी डांट खाई अपने पापा मम्मी से? की मैंने कोई ऐसी शरारत तो नहीं की कि मुझे रच्चे मारा जाए, पर हाँ मुझे डांटा है। उनकी डांट के पीछे उनका प्रेम भी छिपा हुआ होता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? वैसे इतना तो है कि इनकी वीडियो को देखने से ऐसा लगता है कि भाई पूरा एक मतलब भगवान के तरीके से इनके माता पिता प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। यशोदा तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है। ऐसे नहीं कहते, दृष्टि लग जाती है। अभिनव की एक सबसे पहले वीडियो वायरल हुई थी गणपति विसर्जन की, जिस दौरान ये वीडियो वायरल हुई थी उस दौरान सबको ऐसा लगा कि भाई भगवान के प्रति इसकी कितनी श्रद्धा है, देखने से साफ तौर पर मालूम चल रहा है। लेकिन आज जब इसको एक्सपोज किया गया है तब साफ तौर पर ऐसा नजर आता है इसको देखने के बाद कि भाई सच में। बाकी इतने कहना चाहूंगा कि भाई देखो किसी भी तरीके से अपने नाबालिग बच्चे को इनकम का सोर्स मत बनाओ, क्योंकि जिस उम्र में आज के समय है ये सोशल मीडिया उतने उम्र वालों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। चुप चुप बिल्कुल चुप। सो प्लीज सब सबर कराए प्लीज सब सर। आई वांट टू रीच 1 million लाइक्स, सो प्लीज सर पकड़ा है। ओके थैंक यू।